दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 वर्षीय दलित मासूम बच्चे के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी पीड़ित परिवार से मिलकर अपना दुख प्रकट किया व उनको इंसाफ दिलाने में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार की मांग है कि दोषियों को फांसी हो। चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि यह चौंकाने वाली बेहद निंदनीय घटना है कि दिल्ली छावनी के पुरानी नांगल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई और मृतक लड़की के माता पिता की सहमति के बिना ही रात में अंतिम संस्कार किया गया। अपराधियों के खुला घूमने से राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं, लड़कियों और बालिकाओं का जीवन बहुत ही असुरक्षित हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रण दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने की दिशा में पूरी तरह असमर्थ साबित हुई है। नांगल राय गांव में स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क जाम की, क्योंकि क्षेत्र में अराजकता के कारण शांति प्रिय लोगों विशेषकर महिलाओं का जीवन असुरक्षित और जीवन जीना दूभर हो गया है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि जब तक जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली को हम हाथरस नहीं बनने देंगे। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि अरविंद सरकार द्वारा शराब की नई नीति के बाद शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने और शराब की उपलब्धता आसान होने पर हर वार्ड में शराब की दुकानें खोलने के बाद अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। नशे में धुत असामाजिक लोग खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम अपराध करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के पास राजधानी के मुद्दों को हल करने के लिए समय ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली, जनमत की पुकार। नमस्कार, मैं यहाँ नागल गांव पहुंचा हूं कैंट में। मेरे साथ सिंघान साहब, यहाँ पर विजय जी, बाल्मीकि जी, यहाँ पर जय किशन जी, तमाम आदमी है, गांव के लोकल लोग हैं। आज 9 साल की गुड़िया की जिस तरह से दरिंदगी के साथ न केवल रेप किया, उसको मौत के घाट उतार दिया बगैर पोस्टमार्टम में जलाने का प्रयास किया गया। प्रश्न कई उठते हैं कि आखिर कितने हाथरस देश में बनेंगे, कितने हाथरस दिल्ली के अंदर बनेंगे। दलित बच्चों के साथ निरंतर उत्पीड़न न केवल यूपी में हो रहा बल्कि दिल्ली में भी घटनाएं निरंतर चल रही है। आखिर जवाब कौन देगा? ये इस तरह की जो ग्रामीण मानसिकता के जो लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, जिनके दावे क्या करते हैं ये सब कठिन, ये लोग आखिर जवाब क्यों नहीं देते हैं? अपना मौत क्यों नहीं तोड़ते हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते क्यों नहीं है? इस परिवार का दुख जानने के लिए 9 साल की गुड़िया के साथ रेप हो जाता है, उसको न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ सड़कों पर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, देश के गृह मंत्री को नहीं पता है। जासूसी करा सकते हैं, जासूसी क्रिमिनलों की नहीं कराते। आए दिन बच्चे के साथ रेप की घटनाएं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। बच्ची का पोस्टमार्टम के बगैर क्यों अंतिम संस्कार किया गया? माँ बाप के बगैर क्यों अंतिम संस्कार हुआ? आखिर एक महीने में दूसरी घटना में पुलिस ने क्या किया? कई सारे प्रश्न है जिसका जवाब मिलना चाहिए। परिवार की मांग, चारों दोषियों को तुरंत फांसी होनी चाहिए, इसमें है विलंब, जांच की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और मैं कहता हूँ कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देश के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।